25 करोड़ रुपए की योजना बनी थी, लेकिन पार्टी के ही कुछ एमएलए उस वक्त मांग कर रहे थे कि हमारे यहां पर भी पानी आना चाहिए। अब एक समय में सबके नहीं आ सकता। उन्होंने साहब को कहा कि साहब महेंद्र चौधरी के पानी पहुंचा रहे हो तो कम से कम हमारे भी पहुंचाओ, लेकिन साहब ने मेरे ऊपर कृपा की, 125 करोड़ की योजना उस वक्त संसद में। उस वक्त मुख्यमंत्री महोदय वहां पर आए और लाखों की भीड़, 1 लाख लोगों की भीड़ उस वक्त गोमती के अंदर अपन ने जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर पहुंची थी और वो पानी पहुंचा। इंदिरा गांधी नहर की मांग करी थी, वो भी पहुंच गया और गांव और ढाणी के अंदर पानी नहीं पहुंच पाया था। मैंने सीएम साहब से मांग करी कि मेरी ढाणियों के अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मैंने भी कुछ दिनों पहले डॉक्टर महेंद्र चौधरी साहब से निवेदन किया कि पानी ढाणियों में नहीं मिल रहा है और हमारी आत्मा ढाणियों के अंदर है, हमारा वोट बैंक ढाणियों में रहता है, वहां तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है। और ये घर घर नल योजना जब तक नावा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक नहीं पहुंचेगी तब तक मुझे भी इस बात की कसर लेनी होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि पूरी आशीर्वाद और पूरा सहयोग देके घर घर नल पहुंचाने की योजना हमारे लिए सेंसर करती है, उसका काम चालू है। 5 महीने के अंदर पूरा काम पूरा हो जाएगा और हर गांव में रहने वाले, ढाणी में रहने वाले व्यक्ति को पीने का पानी मिल जाएगा। दूसरा, मैं आभारी हूं सीएम साहब, इन्होंने हमें एमएलए को पहले भी कहा आप मांगते रहो, आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। मैं मांगता रहा और मैंने आपको ये कहा था कि मैं, मुझे आशीर्वाद दे रखा है सीएम साहब ने उप मुख्य सचेतक का, और जब राजस्थान के जब बजट पेश करते हैं 7 करोड़ जनता जब सीएम साहब को सुनती है तो मैं महेश जोशी जी को हमें आशीर्वाद तो दे रखा है। हम लोग साहब की पीठ की पीछे की सीट के ऊपर बैठते हैं और मुझे आप लोगों की कोई भी डिमांड या कोई भी काम याद आ जाता है तो मैं साहब को पहले देने से भूल चुका होगा और मैं चलते साहब के स्पीच के अंदर भी कोई पर्ची दे देता हूं तो आपका आशीर्वाद रहा, वो घोषणा भी मुझे मिली। इस तरह बढ़ावा आप लोगों ने भी के साथ के अंदर प्रोग्रामों को अटेंड करने की सोचते हैं, हमें भी बुलाया साहब। मैं कहना चाहता हूं हम लोग गए थे लोगों के बीच के अंदर, लोगों ने अपनी बात तय कर लिया है। आपके नेतृत्व के अंदर जो राजस्थान में सरकार काम कर रही है और जो आपने उल्लेखनीय फैसले राजस्थान की जनता ने किए हैं, आज ये लोग आए हुए हैं गांव गांव खुद के खर्चे पे आए हैं, 11 बजे मेरे पास में मेरे बंगले के ऊपर आके बैठ गए और सबसे इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम साहब की एक झलक हमें देखने को मिले। आपका किया हुआ वादा, आपका की भी घोषणा हमें ध्यान है। जब पहली बार हम लोग एमएलए बने थे आपकी सरकार के अंदर, उस वक्त भी मैं किसानों को लेके आया था। 70% जो किसान आज भी खेती का काम करते हैं उनको बिजली की आवश्यकता पड़ती है। उस वक्त किसानों ने कहा था कि 6 महीने हमारे को बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका कनेक्शन काट दो ताकि हमें इसका बिजली का भुगतान नहीं करना पड़े। और आपने मांग करी थी नावा विधानसभा क्षेत्र में और आपने पूरे राजस्थान के अंदर लागू कर दिया वो कानून, हम आपके बहुत बहुत आभारी। ये गांव का किसान जो आज खड़ा है सर आपके लिए, ये कुर्सियों पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, साइडों में बैठे हैं, ये तो एक झलक है। अभी कल ही हमें प्रोग्राम मिला और इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए आए हैं, ये आपका आभार प्रकट करते हैं। घर के अंदर 100 यूनिट बिजली आपने फ्री कर दी और किसान को 2000 यूनिट खेती की फ्री कर दी, इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। आपका इंतजार कर रहा है कि जब आपका चुनाव आएगा 9 दिसंबर में जहां पर भी चुनाव आता है लोग इंतजार कर रहे हैं। और कोई गलत फहमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है तो वो निकाल दे। अशोक गहलोत वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान के अंदर एक लॉ मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अशोक गहलोत विधानसभा के अंदर अपना बजट पेश करते हैं तो देश का प्रधानमंत्री भी बार बार उस भाषण को सुनता है, क्योंकि क्या नियम क्या योजना है अशोक गहलोत ने लागू करी। दवाएं फ्री कर दी, जांचें फ्री कर दी, जानवरों की दवाएं फ्री कर दी, जानवरों की जांचें फ्री कर दी, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार नहीं कर पाती जो अशोक गहलोत ने करती। हमारे भी कर पाई, आपने हमारे ब्लड बैंक खोल दिया, आपने हमारे ट्रॉमा सेंटर खोल दिया, कॉलेज, एक कॉलेज नहीं था कुचामन के अंदर, नावा के अंदर, राजस्थान की कोई भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 कॉलेज नहीं होंगे, 10 कॉलेज मेरे माननीय सीएम साहब ने। नावा
श्री कलेश जी की आर्टिंग होती और भी आपके दिमाग में कोई नाम बचा तो मैं तो सकता वो भी बोलते गए कभी मना नहीं करते मेरे को पूरा आशीर्वाद रखते इसलिए मेरा कहने का और बहुत बड़ा कर्मचारी भी आपके समान के लिए यहाँ लाया हुआ तो तैयार बैठा है कि जब पार्टी का चुनाव आएगा तो खुले रूप से कांग्रेस को समर्थन देगा। हमने कह दिया कि यहाँ पर सरकार बीजेपी की टूट टूट भी नहीं है लेकिन गलती से अगर कोई आती है तो उसका सबसे पहला वार इस कर्मचारी पर इस ओपीएस पे होगा। ये मैं आपको सबको ये कह रही किसान आपके साथ में गरीब आपके साथ में व्यापारी बड़ी तालाब के अंदर यहाँ पर आ जाया हुआ है जो गांव का शहरों का जो सब लोग यहाँ पर खुशी है। और सर मैं कहना चाहता हूँ मैंने इन लोगों को कहा कि कभी तो मेरे को 700-800 वोट से हरा देते हो कभी 2000 वोटों से जिता देते हो जब यहाँ पर जयपुर में हम आते हैं तो हमारे हर चीज का अंतर देखा जाता है तो या तो मेरे को 40-50 हजार से जिता दो या 40-50 हजार से हरा दो सरकार ने फैसला कर लिया सर किस प्रकार आपने अपनी बजट घोषणा के अंदर तो हमारी मुख्य मांग थी कुचामन कहा था कुचामन उप तहसील थी कुचामन जब मुझे गहलोत साहब ने पहला टिकट दिया था मुझे ध्यान है उस उप तहसील से तहसील भी आपने बनाया तहसील से एसडीएम कार्यालय भी आपने बनाया एसडीएम से एडीएम भी आपने बनाया एटी से लेसी भी आपने बनाया एटी से कोर्ट भी आपने खोला और ये कुचामन को नया जिला आपने बना दिया आने वाला चुनाव गहलोत साहब ने जो कर दिया वो कोई भी नहीं कर सकता। हमने
नहीं तो मांगा आपने कर दिया, कोई नहीं कर सकता, कोई काम करता है तो उसको एक बार रोको काम, खूब हो गया काम, अब काम को बुलाओ, अशोक गहलोत जी की योजनाओं को गांव गांव के अंदर लेके जाओ, अशोक गहलोत जी की योजनाओं को ढाणी ढाणी तक लेके जाओ। चुनाव में अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीएम साहब ने जो घोषणाएं करी है बस उसको जनता के बीच में लेकर चले जाओ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को तो राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता ने आपके नेतृत्व में तय कर लिया है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं आप लोगों को सबको ये कहना चाहता हूँ, आप लोग आए अपने मन से आत्मा से सर, पांच पांच घंटे तक लोग आए हैं, बड़े खुश लोग हैं। अभी सिक्योरिटी के लोग कह रहे थे हमें इतने डेलीगेशन आए, इतना बड़ा डेलीगेशन, हम इसको आने के लिए जो मशक्कत हमें करनी पड़ी कभी नहीं करनी पड़ी। उत्साह लोगों के अंदर आपको देखने का और आपको सुनने का, उसी की बदौलत ये जनता आज आज के बीच के अंदर सरकार के अंदर है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में मैं नारा लगाऊंगा, एक भी आदमी यहाँ पर जो आए मन से आए आत्मा से आए खुद के खर्चे पे आए खुद के चल के आए, मैं बोलूंगा अशोक गहलोत आप बोलेंगे जिंदाबाद, एक भी आदमी रुकना नहीं चाहिए और हाथ खड़े करके अशोक गहलोत जी का समर्थन आप सब लोग करो और अपनी सरकार के अंदर अशोक गहलोत और मैंने कह रखा है जहां 500 लड़कियां
स्कूल में भेज दोगे वहाँ कॉलेज बना नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि हमारा ध्यान जो है शिक्षा पे है, स्वास्थ्य सेवाओं पर है, दो चीजें मीडिया में मान लो, शिक्षा अच्छी हो और स्वास्थ्य अच्छा रहे, बीमार नहीं पड़े, तो आदमी अपना आप ही बिजली पानी सड़कें सिंचाई सब कर खेती सब कर सकता है। बाकी भी हम कर रहे हैं तो कठिन नहीं छोड़ रहे। बजट 5 बजट है, मैंने एक बार टैक्स पे लगा बिना टैक्स के बजट शानदार बिजली प्रबंधन हम कर रहे हैं। और उसी कारण से आप देख लीजिए एक के बढ़ के जोड़ में है ओपीए तो सरकार के लिए है, आरजीएचएस सरकारी पंचायत की है वो भी जोड़ना अच्छी है, सीएनजी योजना 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कई नहीं कई नहीं कितना आराम हो गया आदमी को, पहले 7-8 हजार रुपये लगते थे आपके आपके सीटी स्कैन करवाओ एमआरआई करवाओ, गरीब है समझता नहीं है। आप कृपा करके 24 तारीख में अपने अपने पंचायत में जब लगे तो उनको थोड़ा जाने के काम भी करने चाहिए, उसके लिए आप लोग फॉर्म भरवा दें, 5-10 लाख का बीमा उसी दिन उसी वक्त 25 लाख का हो जाएगा, 50 यूनिट फ्री की बिजली 100 यूनिट उसी उठाएगी। किसानों के लिए पहले 1000 रुपये देते थे, अब 2000 यूनिट फ्री हो जाएगी। कहने का मतलब कैंप में कैंप मंगे रहने राज के नाम लगा रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उतना भागीदार नहीं हुआ है। और जो योजना में बनाई है शहरी शहरी आएगा आपके नगर पालिका है, इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना नरेगा की तरह है, नरेगा में 25 रुपये बढ़ा दिए हैं, स्मार्टफोन रांची पे रक्षाबंधन पे महिलाओं को 40 लाख मोबाइल फोन स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, उसके अंदर 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी, 3 साल तक फ्री होगी। इतने मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लोग यहाँ बना रहे हो अच्छी बात है, हमने 19 जिले बनाए, 2 जिले ऐसे हैं जिनके कुशावन रीडवा के नाम से, अब आप कहोगे कि कुशावन बने वो कहेंगे कि मनम बने, आप आए हो कनको अलग के पास, आप अलग नहीं हो पूरे जिले के लोगों को प्यार से मोहब्बत से भाईचारे से हमें रहना है, शानदार बनाएंगे आपके जो मुख्यालय है ना बहुत शानदार बनाएंगे जैसा आपको बनाएंगे। और इसका कोई रास्ता नहीं आएंगे, महेंद्र चौधरी चेतन टूटी बिल्कुल फैसला कर लेंगे क्या करना हम लोग मान लेंगे, पर आपको ये शपथ रखना पड़ेगा कि जिला मुख्यालय बनना बहुत बड़ी बात है, नाम आपका कुचामन का डीरोना दोनों का नाम है, 19 जिले हमने बनाए हैं पूरे रास्ता में, जो आज आप आए हो ना रोज के लोग आ रहे हैं और बहुत लोग उत्साह है, हमने कल्पना की 2030 तक राजस्थान जो है देश में नंबर 1 राज्य बन गया, नंबर 1 2030 तक कौन तो मुख्यमंत्री रहेगा कौन सरकार रहेगी वो तो आपके ऊपर रहेगा। हमने आज राजस्थान बहुत आगे बढ़ चुका है, कोई जमानत है आपकी जो कुचामन विकास समिति है आज तो ये आपके कौन है कावरा का वो है कावरा जी मुझे याद नाम नहीं है, 35-40 साल पहले जब मैं केंद्र इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री था उपमंत्री था तब पुस्तक में इसी विकास समिति ने मुझे बुलाया था नाला पंचावन करने रेलवे रेलवे का इंस्टॉलमेंट किया होगा उस वक्त में इसको बुलाया मुझे याद नहीं क्या कर पुस्तक आया होगा ठीक है गणेश माता को 30 साल पहले की बात मुझे अभी भी याद है, तो आप निश्चित रहो
विद्यामंत्री नाबाद थे, पूरे नागौर थे, बहुत लगाव है हम लोगों का। इस समय में सिरमौर जिला है नागौर, विकास के नतीजे हो इसीलिए तहसील है, पीएचडी सीएचडी सब सेंटर उप तहसील तहसील नगर पालिका जो मांगा है मैंने मैं जो कह रखा है तुम लोग मांगते मांगे थक जाओगे। तो मांगा किया है इतनी कौन सी चीज बताइए, बाकी रखा ही नहीं। कभी मतलब कि सरकार ने अपना काम किया है, आपसे मैं अपील करूंगा देखिए जो हालात है देश के अंदर मैं मुझे बात करूंगा अलग तरह हालात है जो आप देख लो अखबारों में लिखा होंगे। हम चाहते हैं कि देश मजबूत बने, राजस्थान में हमारे विकास की गति जो हो, योजनाएं लागू की हो, लागू हो, खाली घोषणा नहीं हो, बजट में घोषणा करी है, लागू करना दूसरी बात, लागू करने में लगे हैं अभी तक 400 हजार घोषणा करी है, 400 के हमने 35 निकाल दी 400 उसी रूप में तो आगे बढ़ रहे हैं। अब निश्चित रहो और जब कभी महीने की गैरेंट में आपके वहां गांव में भी आ जाते होगा तो दिक्कत नहीं मिले, हम लोग कोई कोई तरीके से मिलेंगे जिससे कि और जो योजना आपकी है आपकी जो ज्ञापन नहीं है मुझे उनको ध्यान रखूंगा। और हम चाहते हैं कि अगली बार सरकार जो है चुनाव आएंगे उसके पहले बहुत हरियाणा पर तमाशे होंगे इसका, क्योंकि धन की कमी नहीं है। मोदी जी और हमारे अमित शाह दिल्ली में उनके बारे में काम नहीं है, बहुत गर्व है उनका। एक ये है चुनाव जीतना कहते हैं, पहले बार में चुनाव लगने के होंगे थे अमित शाह जी रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जिले में चले गए बताने के लिए, मैं भी जिले में घूम रहा हूं अभी 4 दिन घूम रहे हैं अमित शाह जी, कल भरपूर में थे, क्या बोल के गए आपको मालूम है, क्या मैंने जवाब दिया आज छपेगा मेरे कहते हैं, आज मैंने बोला है जवाब दिया उनको भी, जवाब देने में मैं किसी नहीं करता। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री आए यहाँ मेरे मित्र अशोक गहलोत, मित्र अशोक गहलोत और सरकार के तैयारी करने की बात करते हैं। तो मैंने क्या किया उसी वक्त घर आकर के रेलवे स्टेशन में प्रोग्राम था, रेलगाड़ी रवाना हुई थी, घर आके पहला काम मैंने किया आपका इतने देखते हो मेरे ट्विटर या फेसबुक देखते हो देखते हो तो आप देख लीजिए मैंने क्या किया, घर आके मैंने सीधा वापस ट्वीट किया उनको, चेक किया प्रधानमंत्री जी को, आप इलेक्शन 23-24 के लिए आपने बयान शुरू कर दिया, आपके पास कथार हुई और इनकी बात उसके नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं कोई भी चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे वो कोई भी हो जवाब देने में डरता के हित मेरे लिए पहले हैं, मैं कोई कंडीशन नहीं करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, हम कोई चिंता करने वाले नहीं है, हमारा अपना सोच है पार्टी की, आपको क्या पता क्या बलिदान कुर्बानी सब जानते हैं, तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप बता रहे हो बहुत सुबह के आप काम में लगे हुए हो, आप निश्चित रहे अपन सोच समझ के क्या करेगा, आप सबको लगेगा था हम सब मिलके आने वाले वक्त के इंतजार थे, मुख्यालय शानदार बने शिलान्यास का हो उद्घाटन भी हो, आप निश्चित हो मेरे मित्रों की बात कहकर मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद। एक मैं नारा लगाऊंगा आज साहब के लिए कहा है कि भाई मैंने जितना हम लोगों ने मांगा है उतना दिया, तो आप साहब को ही विश्वास दोगे कि जब चुनाव आएगा एमएलए चुनाव के अंदर तो आप वोट किसको दोगे?